नमस्कार एन सी आर टी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 15 बहुलक आज हम बहुलक के बारे में जानेंगे और बहुलक को समझने का प्रयास करेंगे इससे पहले हम ये देखेंगे कि सुबह से ले देर रात तक हमारे दैनिक जीवन में अधिकांशतः बहुलकों का उपयोग होता है आप याद कीजिए सुबह उठकर जब हम ब्रश करते हैं तो वह ब्रश एक बहुलक का बना है उसके बाद जब हम नहाते हैं तो वह बाल्टी और मग वो भी बहुलकों से मिलकर बना है अगर आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक स्विच भी बहुलक से मिलकर बना है हम ऑफिस कॉलेज या स्कूल जाने के लिए जिस यातायात के साधन का उपयोग कर रहे हैं उसके टायर और अधिकांशतः उसकी बॉडी भी पॉलीमर या बहुलक से मिलकर बनी है बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने जो कपड़े हम पहनते हैं वे अधिकांशतः थे बहुलक से मिलकर बने हैं आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए जहां आप देखेंगे आप मोबाइल काम में लेते हैं उस मोबाइल की जो कवर है उसकी जो कैबिनेट है वो भी बहुलक से, आगी आगी। आगी काश्य काश्य से मिलकर बनी है आप टी की कैबिनेट देखिए बहुलक से मिलकर बनी है कैमरे का कवर देखिए बहुलक से मिलकर बना है आप जो अटैची लेकर जाते हैं वो बहुलक से मिलकर बनी है आप कहीं भी नज़र दौड़ाइए आसपास देखिए आपको बहुलक मिलेंगे तो कहने का मतलब क्या कि हमारे दैनिक जीवन में बहुलक बहुतायत में प्रयोग होते हैं या हम कहें कि जीवन में बहुलकों का बहुत अधिक महत्व है, तो है बहुल कैसे है बहुलक का मतलब वह पदार्थ जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है बहुलक का मतलब क्या जो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हो अब जो छोटी इकाई है वो एक लक कहलाती है जिसको मोनोमर कहते हैं बहुलक पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत सारी और एक लक मतलब मौनोमर। मौनोमर जो सबसे पहली यूनिट है जिसको रिपीटिंग यूनिट भी कहते हैं या पुनरावृत्त इकाई भी कहते हैं वो एकलक है और वो जब एकलक बार बार जोड़कर एक विमीय द्विमी या डायमेंशनल नेटवर्क बना लेती है तो वो क्या बन जाता है बहुलक बन जाता है तो बहुलक के निर्माण के उपरांत बहुलकों का निर्माण कैसे किया जाता है बहुलकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है हम बहुलकों को किन-किन आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं बहुलक कितने प्रकार के होते हैं बहुलक कौन से ऐसे हैं जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो जो संश्लेषित बहुलक है यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित है बहुलकों के उपयोग क्या क्या हैं ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इस वाली क्लास में मुख्यतः हम क्या पढ़ेंगे कि बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है ऐसे कई आधार हैं जिनके आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण किया जाता है जब एकलक इकाई आपस में मिलकर बहुलक बनाती है तो वो कौन कौन सी क्रियाविधि है या कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनके आधार पर कि एकलक इकाइयाँ आपस में मिलकर एक बहुलक बनाती हैं तो वो भी हमें इस क्लास में गहराई से समझना है हम ये जानेंगे कि एकलक से किस क्रियाविधि के द्वारा बहुलकों का निर्माण होता है तो ये सब बातें इस क्लास में हमें विस्तार से पढ़नी है बहुलक या पॉलीमर बहुलक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों पॉली जिसका अर्थ है अनेक और मर जिसका अर्थ है इकाई अथवा भाग से हुई है इसका मतलब जब अनेक इकाइयाँ या अनेक भाग आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं बहुलक को बहुत वृहद अणु की तरह परिभाषित किया जाता है जिसका द्रव्यमान अति उच्च टू पावर थ्री से टू टेंोमोलिक या पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों के वृहद पैमाने पर जोड़ने से बनते हैं पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइया जिसको रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट भी कहते हैं कुछ सरल और क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती हैं जिन्हें एकलक अथवा मोनोमर कहा जाता है ये इकाइयाँ एक दूसरे से सहसंयोजक बंद द्वारा अर्थात कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश बहुलक कार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थों के मध्य जो बंद मिलता है वह सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है इसलिए ये जो मोनोम यूनिट्स या एकलक इकाइयाँ जब आपस में मिलेंगी और बहुलक का निर्माण करेंगी तो उनके मध्य जो बंद होता है वह सहसंयोजक हो बंद होता है बहुलकों से संबंधित एकलकों से विरचन के प्रक्रम को बहुलकन या पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसका मतलब जब मोनोमर यूनिट्स या एकलक इकाइयां आपस में मिलकर पॉलीमर बनाएंगी तो यह प्रोसेस या ये प्रक्रम क्या कहलाता है पॉलीमराइजेशन या बहुलकन कहलाता है इसका उदाहरण से समझें एथिन से पॉलीथीन और हेग्जामिथलिन डाइमिन और एडिपिक एसिड की इंटरेक्शन से या उसकी अन्योन्य क्रिया से नाइलोन सिक्सिक्स का निर्माण पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या बहुलकन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं इथिन एक गैस है एक ये बार समझने की कोशिश कीजिए कि जब एकलक और से बहुलक बनता है यानी मोनोमर से पॉलीमर बनता है तो उसके गुण सर्वथा बदल जाते हैं आप जानते हैं इथिन एक गैस है और पॉलीथीन एक ठोस है नरम ठोस है तो जब मोनोमर यूनिट से पॉलीमर यूनिट बनेगी तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तो एथीन से पॉलीथीन का बनना और इसी प्रकार से एक्सा मिथालीन डाइमिन आपको यहाँ रिएक्शन में दिखाई दे रहा है ये हेक्सा मिथालीन डाइमीन ये छे इसमें कार्बन है तो इसको हेक्सा मिथालीन कहेंगे सी एच टू ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं तो एक्सा मिथालीन और डायमीन क्यों क्योंकि एक एन एस टू है और एक एन एस टू है तो हेक्सा मिथालीन डाइमिन और ये आप जानते हैं ऐसे डाइकॉर्बॉक्सिलिक एसिड जिसमें दो सी डब्लू एच ग्रुप और चार सी एस टू ग्रुप हो वो एडिपिक एसिड कहलाता है तो एक्सामिथैलियन डायामीन और एडिपिक एसिड का जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है या संघनन बहुलकन होता है तो नाइलॉन सिक्स सिक्स बनता है तो दो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लिए हैं इनको इसी चैप्टर में हम गहराई से समझेंगे कि एथिन का पॉलीथीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है और इसी प्रकार से एक्सा मिथैलियन डायामीन और एडिपिक एसिड के संगनन होने से पॉलीमर या बहुलक का बनना या का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है इसको हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुलकों का वर्गीकरण ऐसे बहुत से आधार हैं जिनके आधार पर हम बहुलकों को वर्गीकृत कर सकते हैं उसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण समझने की कोशिश करें स्रोत का मतलब क्या कि ये जो बहुलक है ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं कौन सा इनका स्रोत है यदि ये बहुलक प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक आप की कोशिश करें यदि ये बहुलक प्रकृति से हमें मिले तो हम क्या कहेंगे इनको प्राकृतिक बहुलक जैसे सेलुलोस है सेल्युलोस बीटा डी ग्लूकोस का बहुलक है इसी प्रकार से हम बात करें स्टार्च की तो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोस का बहुलक है हम बात करें प्रोटीन की तो वो अमीनो एसिड का बहुलक है तो जो भी मैंने नाम लिए चाहे हम कहें स्टार्च या सेलुलोज या फिर प्रोटीन ये प्रकृति में मिलते हैं ये जीवों में मिलते हैं पेड़ पौधों में मिलते हैं तो अब इस प्रकार के बहुलक को हम क्या कहेंगे प्राकृतिक बहुलक क्योंकि इनका स्रोत प्रकृति में हो गया है अर्ध संश्लेषित बहुलक इसका मतलब क्या ये ऐसे हैं जो मिलते तो नेचर में लेकिन मनुष्य के द्वारा इन पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इनका रासायनिक उपचार किया जाता है इनको कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से कुछ परिवर्तित कर देते हैं, कराई जाती हैं जिससे इन्हें अर्ध संश्लेषित हैं और तीसरे प्रकार का है संश्लेषित बहुलक जिनको मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर या मैनमेड पॉलीमर भी कहते हैं क्यों क्योंकि उनको पूर्णतः प्रयोगशालाओं में बनाया गया है मानवों के द्वारा बनाया गया है कॉमर्शियली प्रोडक्शन है इनका तो ये क्या कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं इसका मतलब ये हुआ स्रोत के आधार पर बहुलकों को तीन भागों में बांट दिया गया है प्राकृतिक बहुलक अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक बहुलक पादपों और जंतुओं में मिलते हैं इनके उदाहरण प्रोटीन सेलुलोस स्टार्च रेजिन और रबर रबर भी आप जानते हैं कि रबर एक प्राकृतिक बहुलक है जो हैविया ब्लैसेस नामक पेड़ से मिलता है और ये वास्तव में जो इसकी यूनिट है वो क्या है आइसोप्रीन है जिसको हम टू मिथाइल वंथ्री ब्यूटाडाइन भी कहते हैं इसको हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक जैसे सैल्युलस जैसे मैंने पहले कहा सेलुलोस नेचर में मिल रहा है सेल्युलोस प्रकृति में मिलता है अब क्या करें इस सेल्यूलोस पर हम एसिटिक एसिड असिट की रिएक्शन करा दें या इससे बन जाएगा सेलुलोस एसिटेट जिसको हम रेन बोलते हैं या सेलुलोस नाइट्रेट अब ये ना तो पूरी तरह से प्राकृतिक बहुलक है और ना ही ये पूरी तरह से मैनमेड यानी मानव निर्मित बहुलक है ये प्रकृति से प्राप्त बहुलकों के केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया पॉलीमर है तो सेल्युलस नाइट्रेट या सेलुलोस एसिटेट इस तरह के उदाहरण है संश्लेषित बहुलक विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन संश्लेषित रेशे जैसे नाइलोन सिक्सिक्स संश्लेषित रबर जैसे ब्यूनायस ये सब मानव निर्मित बहुलकों के उदाहरण हैं सीधा सीधा हम कहें कि जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं चाहे उद्योगों में निर्मित हो किसी इंडस्ट्री में बने या प्रयोगशाला में बने तो वो संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं और दैनिक जीवन में और उद्योगों में ये बहुत अधिक काम आते हैं दूसरा जो आधार है बहुलकों के वर्गीकरण का वह है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण इस आधार पर भी बहुलकों को तीन भागों में बांटा गया है पहला पहला रैखिक बहुलक कहलाता है इनको लीनियर पॉलीमर कहते हैं अब इसका मतलब क्या इसमें क्या होगा जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी तो एक लंबी रेखीय श्रृंखला बना लेंगी एक लीनियर पॉलीमर चेन बना लेती हैं उसमें कोई ब्रांच नहीं होती कोई इसमें शाखाएं नहीं होती हैं एक सीधी सीधी रेखीय श्रृंखला बन जाती है और ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में पास पास आ जाती हैं अब जब ये श्रृंखलाएं आपस में पास पास आ जाएंगी इसका मतलब इनका घनत्व या इनकी डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो ये उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन पॉलीथिन क्लोराइड इसके उदाहरण है और यह डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है पर कि ये इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बना लेती है और ये कई श्रृंखलाएं आपस में पास पास जुड़ जाती है छोटे तो से वॉल्यूम में बहुत अधिक पॉलीमर आ जाता है जिसके कारण से इनका घनत्व बहुत अधिक हो जाता है और इस प्रकार के बहुलकों को हम रेखीय बहुलक या रेखिक बहुलक या लीनियर पॉलीमर

इनका घनत्व रेखिक या लीनियर पॉलीमर की तुलना में कम हो जाएगा इसका उदाहरण निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन जिसको लो डेंसिटी पॉलीथीन या एल कहते हैं और जब डायग्राम आपको बनाना हो तो आप इस प्रकार बना सकते हैं कि सीधी रेखीय श्रृंखला है और उसमें कोई ब्रांच चेन इसको ब्रांच चेन पॉलीमर भी कहते हैं या शाखित श्रृंखला बहुलक भी कहते हैं और इसमें छोटी छोटी श्रृंखलाएं निकली रहती हैं तीसरा है त्रियक तिरकबंद अथवा जालक्रम बहुलक थ्री डायमेंशनल पॉलीमर भी कहलाता है यह साधारणतः द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह वाले एकलकों से मिलकर बनती है इसका मतलब क्या कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे दोनों किनारे पर होंगे या एक से अधिक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं और जब ये लंबी श्रृंखला भी बनेगी आप चित्र को देखिए जान से ये लंबी श्रृंखला बन गई ये दूसरी वाली लंबी श्रृंखला है और इनके बीच में जो आपस में ये किसी छोटी पार्श्व श्रृंखला से या साइड से जुड़े हुए हैं अब इससे पहले वाली जब हम बात कर रहे थे, थे तो वहां पर साइड चेन फ्री थी जो पार्व श्रृंखला थी वो मुक्त थी लेकिन यहाँ पर एक श्रृंखला दूसरे रेखीय बहुलक से मिलकर जुड़ी हुई है यहाँ हम कहें दो रेखीय श्रृंखलाएं आपस में कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं से या साइड चेन से जुड़ी हुई हैं तो एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है एक त्रिविमीय संरचना बन जाती है और जिसके कारण से थोड़ी ये टफ हो जाती है ये थोड़ा कड़ा हो जाता है इनको बार बार काम में नहीं लिया जा सकता यानी कि एक तरह से थर्मोसेटिंग रेजेंस बन जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इनके मध्य जो बंद होते हैं वो प्रबल सहसंयोजक बंद हो जाते हैं इनके उदाहरण बेकेलाइट और मेलामीन हैं। इन बहुलकों को इन चित्र के द्वारा आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं तीसरा जो आधार है बहुलकों के वर्गीकरण का वो उस आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है एक तो ये जो योगज बहुलक कहलाते हैं योगज बहुलक द्वियाबंध अथवा त्रियाबंध युग एकलक अणुओं के पुनरावत्त योग से बनते हैं जैसे एथीन से पॉलीथीन या प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन समझे देखो ये एडिशन पॉलीमर है एडिशन का मतलब क्या हुआ या योगज बहुलक जिन्हें कह रहे हैं ये एडिशन पॉलीमर हैं इनमें एक रिपीटिंग यूनिट या एक मोनोमर यूनिट दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ में जुड़ जाती है और ये लगातार लगातार जुड़ती रहती है तो ऐसे पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर या योगज बहुलक कहते हैं एक ही प्रकार की एकलग स्पीसीज के बहुलकन से बनने वाले योगज बहुलक को कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करें कि जब पॉलीमर में केवल एक ही प्रकार की यूनिट जुड़ी हुई होगी वो क्या कहलाएगी होमो पॉलीमर या सम बहुलक कहलाएगा। है ये एडिशन पॉलीमर। आप फिर वापस समझो एडिशन पॉलीमर दो तरह के हो गए एडिशन मतलब योगज बहुलक एक वो जिनमें एक ही प्रकार की यूनिट के मिलने से बने हैं और एक वो हो गए जो एक से अधिक प्रकार की यूनिट से मिलकर बने हैं तो पहले प्रकार की हम बात कर रहे हैं जिनमें जो यूनिट्स हैं या रिपीटिंग यूनिट है वो केवल एक ही प्रकार की है उनको होमोपॉलीमर कहते हैं या समबहुल अब इनमें जैसे उदाहरण लो पॉलीथीन इथिन के पॉलीमराइजेशन से बन रही है अब इसमें के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हजारों लाखों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और होमोपॉलीमर बनाते हैं दूसरे प्रकार के क्या हो सकते हैं यहां तो स्टाइरीन है, है। आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना रही है।, है ये भी एडिशन पॉलीमर ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है यह समझने की कोशिश करें इसको देखिए बहुलक को दो भागों में और बांटा गया है एक तो कहलाता है एडिशन पॉलीमर जिसको योगज हैं और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको संगनन बहुलक कह रहे हैं दोनों में अंतर यही गहराई से समझ लें जिससे आगे जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी एडिशन पॉलीमर का मतलब ये कि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगी जो आपस में मिलकर जो एकलक एक इकाइयां जुड़ी हैं वो मिलकर पॉलीमर बनाएंगी और कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा जैसे एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराया तो पॉलीथीन बन गया अब मानो 100 यूनिट एथिलीन की जुड़ी आपस में तो वो सारी की सारी 100 यूनिट आपस में मिलकर पॉलीथीन बना देंगी मान लीजिए एथिलीन का मॉलिक्यूलर वेट 28 है 28 है और 100 यूनिट आपस में जुड़ी तो जो पॉलीमर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 2800 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलीमर का मोलिकुलर वेट होता है ये मोनोमर का एक सिंपल मल्टीपल होता है अब बात करते हैं संगनन बहुलक की। संगनन बहुलक में जब दो मोनोमर यूनिट या दो से अधिक प्रकार की मोनोमर यूनिट आपस में मिलती है तो एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, जल एच या अमोनिया या कोई एल्कोहल ऐसे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं दो आपस में यूनिट जुड़ेंगी जो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, वो एक प्रकार की भी हो सकती हैं। वो जब आपस में जुड़ेंगी और बहुलक बनाएंगी तो उनमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इनको कंडेंसेशन या, या संगणन कहलाती है इसलिए इस प्रकार के बहुलकों को हम संगणन बहुलक कहते हैं अब इसका जो मोलिकुलर वेट होगा इसका जो अनुभार होगा वो एकलक के अनुभार का सिंपल मल्टीपल नहीं होगा जो कि पहले हो रहा था जो एडिशन पॉलीमर में हो रहा था वो संग्रहण बहुलक में नहीं होगा तो ये अंतर को आप गहराई से समझ लें जिसके कि आगे वाले उदाहरण में काम आएगा अब ये जो एडिशन पॉलीमर है ये भी दो तरह के हो गए एक जिनमें एक ही प्रकार की यूनिट आपस में मिल रही है।, में के से बन रहा है तो एक ही प्रकार की यूनिट आपस में मिल रही है। एक ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें दो यूनिट आपस में जुड़ रही हो बाहर कुछ ना निकले लेकिन वो दोनों अलग अलग हो तो जिसमें समान प्रकार की जुड़ रही हैं उनको होमोपॉलीमर कहते हैं या सम बहुलक कहते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की जुड़ती है उनको सह बहुलक या कोपोलीमर कहते हैं तो ये शब्द आप समझने की कोशिश करें सम मतलब समान सम बहुलक होमोपॉलीमर जिसमें समान प्रकार की यूनिट नहीं है तो उनको हम कोपोलीमर या सह बहुलक कह रहे हैं एक और चीज यहाँ समझने की कोशिश करें कि जब एक एकलक यूनिट अलग या मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर पॉलीमर बना रही हैं तो ये एक अल्टरनेट पॉलीमर भी हो सकता है Alternate मतलब एकांतर। एकांतर अब एक का मतलब मैं समझाता जैसे मान लीजिए एक यूनिट है ए दूसरी यूनिट है B, अब ये आपस में जब जुड़े तो ऐसे जुड़े पहले ए फिर बी फिर A, B, A, B, A, B, इस प्रकार से जुड़ती चली जाए एकांतर क्रम में आए क्रम ऑर्डर में तो इनको हम कहेंगे क्योंकि 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 एक एक बाद आ रही है तो उनको एकांतर सह कहते हैं दूसरा क्या हो सकता है रैंडम कोपोलीमर इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कितनी बार भी किस, किसी भी प्रकार से आ सकती है जैसे ए ए बी ए बी ए बी ए सी कुछ भी प्रकार से आ सकती है तो वो यदृक्ष सह बहुल कहलाते हैं या उनको रैंडम कोपोलीमर कहते हैं तीसरे प्रकार के ब्लॉक कोपोलिमर होते हैं ब्लॉक का मतलब क्या जैसे एक बड़ा, बड़ा ब्लॉक मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए ए ऐसे बहुत सारे फिर एक ब्लॉक खत्म हुआ फिर दूसरा बी 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 का ब्लॉक बन जाए तो ऐसे को पॉलीमर को हम ब्लॉक को पॉलीमर कहते हैं और चौथा आता है ग्राफ्टेड को पॉलीमर जिनको रोपित सहबहुलक कहते हैं उनमें एक प्रकार की यूनिट आएगी फिर उसके बाद में उसके साथ कोई ये ग्राफ्टिंग एक कोई दूसरी चेन साइड चेन बन जाएगी तो सहबहुलक और संबहुलक इसमें अंतर समझ लिया योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक में अंतर समझ लिया और सह बहुलग भी चार प्रकार के हो गए यानी एक तो हो गया हमारे पास सबसे पहले हमने कहा एकांतर दूसरा हमने कहा याद्रक्षक जिसको रैंडम का तीसरे ब्लॉक को पॉलिमर और उसके बाद में ग्राफ्टेप का पॉलीमर तो ये जो जितने भी टर्म्स हैं जितने भी शब्द हैं या जितने भी पद हैं उनको हमको गहराई से समझना है जब ये समझ में आ जाएंगे तो आगे का चैप्टर बहुत समझ में आसानी से आ जाता है तो इसमें जब एक ही प्रकार की यूनिट आपस में मिल रही है तो संबहुलग कहला रहे हैं जब विभिन्न प्रकार की एकल यूनिट आपस में मिलती है तो उनको सह कहते हैं तो देखें तो ये, ये रबर है बहुलक बहुल बहुलक दो विभिन्न प्रकार के द्विक्रियात्मक अथवा त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयों के मध्य पुनरावृत्त संग्रहण से बनते हैं और इन विक्रियाओं में छोटे मॉलिक्यूल जैसे जल अल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड आदि निकल जाते हैं जैसे टेरेलीन जिसे डेक्रोन कहते हैं या नाइलोन सिक्स सिक्स जो एक्सा मिथैलिन डाइमिन और एडिपिक एम्बल के संगणन से मिलकर बनता है तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि ये जो टर्थैलिक एसिड है और इथिलीन ग्लाइकोल इनमें से एक जल का अणु निकल जाता है और जल का अणु निकल कर ये बन जाते हैं और यह भी आप जानते हैं देखो कि जब अल्कोहल क्योंकि ये ग्लाइकोल है दो इसमें डाइहाइड्रोक्सी है, है ये तो और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको याद होगा क्या बनते हैं एस्टर बनते हैं इसका मतलब ये क्या है ये पॉलीएस्टर है जब ये आपस में बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो क्या कहलाएगा पॉलीएस्टर तो पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल क्या है या तो टेरेलिन या जिसको हम डेक्रोन कहते हैं किससे मिलकर बनता है ये एग्जाम आता है कि टेरेलिन की एकलक इकाइयाँ क्या हैं टेरेलिन की मोनोमर यूनिट क्या है तो आप लिखोगे कि थैलिन ग्लाइकोर और टर्थैलिक एसिड या वो पूछेंगे टेरिलीन का संगणन बहुलक है या किस प्रकार आप सिद्ध करोगे तो आप बता दोगे इसमें छोटा अणु जल का निकल जाएगा या वो कहेंगे कैसे बनाओगे तो आप कहोगे ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल मिलकर टेरिलीन बनाते हैं और यह संगणन बहुलक का उदाहरण है चौथे प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस या आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों में बहुलकों के अनेक अनुप्रयोग उनके यांत्रिक गुणों जैसे तनन सामर्थ्य प्रत्यास्था आदि पर निर्भर करते हैं यह यांत्रिक गुण अंतरआणविक बलों द्वारा नियंत्रित होते हैं उदाहरणार्थ बहुलक में उपस्थित वांडरवाल बंद और हाइड्रोजन बंद समझने की कोशिश करें कि बहुलक जब बन रहा है पॉलीमर बन रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके अणुओं के बीच में कई प्रकार के बंद होते हैं पहला तो हमने कहा कि ये मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर जिस बंद के द्वारा जुड़ी रहती है उसको सहसंोजक बंद या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं इसके अलावा इनमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो चेन्स के बीच में वॉन्डरवाल बॉन्ड भी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं इस कारण से इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी इलास्टिसिटी यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य तनन सामर्थ्य या प्रत्याशा ये अलग अलग हो जाती है या बदल जाती है तो इनके अणुओं के मध्य उपस्थित बलों के आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया है यह बहुलक श्रृंखलाओं से बंधित होते हैं अंतर आणविक बलों के आधार पर इन्हें चार भागों में वर्गीकृत किया गया है पहला है प्रत्यास्त बहुलक इलास्टिक पॉलीमर नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा इलास्टिक मतलब इनमें इलास्टिसिटी होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन पर हम बल लगाएंगे तो इनको हम आसानी से खींच सकते हैं और बल हटाने पर ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे इसका मतलब इसमें जो श्रृंखलाएं होंगी वो कैसी होंगी कॉइल्ड होंगी ये कुंडलित होंगी और ये कुंडलित श्रृंखलाओं पर जब बल आरोपित किया जाएगा तो ये श्रृंखला खुल जाती है और खुल जाती है तो ये लीनियर चेन में बदल जाती है जैसे ही हम हम इस पर से बल हटाएंगे वापस से ये कॉइल्ड हो जाएगी तो प्रत्यक्ष गुण जैसे रबड़ के समान ये ठोस होते हैं इन प्रत्यक्ष बहुलकों में बहुलक की श्रृंखलाएँ आपस में दुर्बल अंतरणविक बल द्वारा जुड़ी रहती हैं श्रृंखलाओं के मध्य कुछ त्रियक तिरकबंद होते हैं जो इन बलों के निर्मुक्त होने पर बहुलक को संकर्ष कर प्रारंभिक अवस्था में लाने में सहायक होते हैं इनमें मतलब क्या हुआ कि अंतर आणविक बल या इंटर मोलिकुलर फोर्सेज सबसे वीक होते हैं सबसे दुर्बल होंगे इन पर बल लगाएंगे तो वो बल टूट जाएंगे वो जो बंद हैं जो वांडरबाल बंद या हाइड्रोजन बंड है वो टूट जाते हैं और उसके बाद ये सीधी श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं बल हटा हुए ये वापस से जुड़ जाते हैं तो मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें इलास्टिक पॉलीमर का सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इसके उदाहरण वल्कनीकृत रबड़ उदाहरण से ब्यूनाइस ब्यूनाइन और नियोप्रीन नियोप्रीन को यहां ध्यान से देख लें आगे भी और इसके डिटेल में बात की जाएगी नियोप्रीन क्या है देखिए टू क्लोरो आप ये ये वन ये टू पोशन थ्री और ये फोर टू कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है इसकी मैं मोनोमर यूनिट की बात करता हूँ वो क्लोरोप्रीन कहलाती है इसे टू क्लोरो क्लोरोडाइन कहते हैं जिसे क्लोरोप्रीन भी कहते हैं तो जब क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण होता है या टू क्लोरो वन थ्रीब्यूटाडाइन का बहुलकीकरण होता है तो बहुलक जो बनता है वो कहलाता है नियोप्रीन ये जो नियोप्रीन नीजो है ये ये कैसा एग्जाम्पल है ये इलास्टिक को पॉलीमर का एग्जाम्पल है इलास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है जिसमें कि इनकी इलास्टिसिटी होती है और इनके मध्य सबसे दुर्बल आणविक बल होते हैं दूसरे प्रकार का है रेशे जिनको फाइबर्स कहते हैं रेशे एक प्रकार के धागे बनाने वाले ठोस होते हैं जिनकी तनन सामर्थ्य और मापांक उच्च होते हैं इन अभिलक्षणों का संबंध प्रबल अंतरणविक बलों जैसे हाइड्रोजन बन से होता है इन प्रबल बनों के कारण श्रृंखलाएं निबिड़ संकुलित हो जाती हैं और क्रिस्टलीय प्रकृति प्रदान करती हैं कहने का मतलब ये कि ये इलास्टिक पॉलीमर थे जिनको प्रत्यास्थ बहुलक कह रहे थे उनकी तुलना में इनमें अंतरानविक बल ज़्यादा होते हैं इनकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है आपने देखा होगा अधिकतर जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो नाइलोन की बनाई जाती है नाइलोन की क्यों बनाई जाती है क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है देखिए सामान्य एक जो सूत की रस्सी बनी हुई है वो जल्दी टूट जाती है लेकिन नाइलोन की रस्सी बहुत लंबे समय तक चलती है क्यों कारण क्या क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनन सामर्थ्य काफ़ी अधिक है तो रेशे जितने भी होंगे उनकी उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे या अंतर आणविक बल होंगे वो प्रत्यास्थ बहुलक की तुलना में अधिक होते हैं एग्जाम्पल जैसे पॉलीमाइड जिसको नायलॉन्सिक्स या पॉलिएस्टर जिसे टेरेलिन कहते हैं तीसरा है ताप सुघट्य बहुलक जिसको थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यह रेखीय अथवा शाखित लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं जो बार बार गर्म करने पर मृदुल और ठंडा करने पर ठोस हो जाते हैं इन बहुलकों के अंतर आणविक आकर्षण बल प्रत्यास्थ बहुलकों और रेशों के मध्यवर्ती होते हैं समझने की कोशिश करें ये वो पॉलीमर है जिनको यदि हम गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे मुलायम हो जाएंगे और ठंडा करेंगे तो वापस से वो ठोस हो जाएंगे तो ये वो पॉलीमर है जिनको कई बार काम में लिया जा सकता है इनका रिसाइकलिंग किया जा सकता है इनका क्या करेंगे हम गर्म करेंगे ये लिक्विड होंगे जिस तरह के सांचे में डालोगे उसी प्रकार का ये आकार ग्रहण कर लेंगे इनके जो आकर्षण बल है अणुओं के मध्य वो रेशों से कम होते हैं लेकिन प्रत्यास्थ बहुलक से अधिक होते हैं और इनको थर्मोप्लास्टिक क्यों कह रहे हैं क्योंकि गर्म करने पर ये आसानी से पिघल कर इन्हें कई बार बनाया जा सकता है बार बार सांचों में डालकर इनको काम में लिया जा सकता है उदाहरण जैसे पॉलीथीन पॉलीस्टाइरिन पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके उदाहरण है अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने ये, ये विनाइल क्लोराइड है ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये जो ग्रुप कहलाता है वो विनाइल ग्रुप कहलाता है और इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है यह क्या है विनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या जिसको हम पी कहते हैं आपने कहा इलेक्ट्रिक्स में हम कहते हैं पी के पाइप काम में ले लो वो पी यही है पॉलीविनाइल क्लोराइड ये किसका उदाहरण है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है यानी ताप सुघट्य बहुलक का उदाहरण है जिसको बार बार काम में लिया जा सकता है चौथे प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसका मतलब समझ लें इसका मतलब ये है ये केवल एक ही बार काम में आ सकते हैं जब इनको हम एक बार बना लिया सांचों में ढाल लिया उसके बाद हम चाहें कि दोबारा इनको काम में लें तो नहीं ले सकते क्यों क्योंकि चौथे प्रकार का है ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर अब इसको समझें देखो इसको केवल एक बार ही काम में लिया जा सकता है जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगे एक आपस में जुड़ेंगी तो वो थ्री डायमेंशनल पॉलीमर बना लेती हैं। है। करके मुलायम नहीं किया जा सकता है, उनको में नहीं डाला जा सकता है। इसका मतलब ये थर्मो पॉलीमर है। आपने देखा बार जब हम वो कबाड़ी वाले को प्लास्टिक के अपने पुराने सामान बेचते हैं तो कुछ तो वो ले जाता है कुछ को वो छोड़ जाता है क्यों क्योंकि वो रिसाइकिलिंग नहीं होगा रिसाइकलिंग क्यों नहीं होगा वो व्यक्ति वो नहीं जानता लेकिन हम जानते हैं कि वो रिसाइकिलिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उसमें तिर बंद बन गए है। उसमें हैं उसमें अत्यधिक शाखित अणु हैं जिन्होंने मिलकर एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना लिया है जिसको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता है इसको उदाहरण जैसे बेकेलाइट यूरिया रेजिन इस प्रकार के उदाहरण हैं तो आणविक बलों के आधार पर भी बहुलकों को चार भागों में बांटा गया है प्रत्यास्थ बहुलक रेशे ताप सुगट्टे बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक ये ताप दृढ़ हैं जिनमें आणविक बल सर्वाधिक होते हैं वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण अब इसको भी समझें ये एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। इनको हम दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं एक तो वो जिसमें चेन ग्रोथ पॉलीमर एक चेन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब क्या जिसमें कि एकलक इकाइया एक एक करके आपस में जुड़ती चली जाएं और उनकी चेन में उनकी श्रृंखला में लगातार वृद्धि होती चली जाए जैसे एक यूनिट जुड़ी एक और जुड़ी तो दो हो गई फिर एक और जुड़ी तो तीन हो गई ऐसे लगातार एक 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 करके जुड़ती चली जाएंगी और एक श्रृंखला बन जाएगी उनको कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक या चेन ग्रोथ पॉलीमर दूसरा कहता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर या पदश वृद्धि बहुलक इसमें क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जैसे एक बार में दो या तीन या चार यूनिट आपस में जुड़ गई इसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी यूनिट्स ऐसी होंगी जिनमें दो दो या तीन तीन अथवा चार चार यूनिट आपस में जुड़ी हुई होंगे कुछ स्टेप्स आपस में जैसे एम वन एम टू एम थ्री एम फोर या फिर उसके बाद या हम कहें एम वन एम वन एम वन एम टू एम टू एम टू एम थ्री एम थ्री एम थ्री ऐसे इस प्रकार से आपस में जुड़ जाए और उसके बाद ये फिर सब आपस में जुड़ें तो उसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर तो बहुलकन में वृद्धि के आधार पर भी कि उनकी उनकी श्रृंखला की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है क्या वो एक एक करके जुड़कर श्रृंखला बना रही है या वो स्टेप में श्रृंखला बन रही है उस आधार पर भी बहुलकों को वर्गीकृत दो प्रकार से किया गया है एक चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है और एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है तो इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा हमने सीखा पहले कि बहुलक क्या होते हैं बहुलक किस प्रकार से बनते हैं बहुलकों का हमारे दैनिक जीवन में क्या स्थान है फिर हमने सीखा बहुलक कितने प्रकार के होते हैं बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है तो हमने देखा सबसे पहले स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिनमें तीन प्रकार के बहुलक हमने देखे एक प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक बहुलक एक वो जो प्रकृति से प्राप्त हो उनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए तो उनको अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं और तीसरे मानव निर्मित बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं इसके अलावा जो हमने बहुलकीकरण पढ़ा कि किस प्रकार से किया जाता है तो आणविक बलों के आधार पर भी हमने देखा कि इनको चार भागों में बांटा गया है जिसमें हमने देखा कि ताप ताप बहुलक बहुलक दृढ़ रेशे और इलास्टोमर जिनको बहुलक कहते हैं वह भी था हमने यह भी देखा कि बहुलकों को दो प्रकार से और बांटा जाता है एक तो एडिशन पॉलीमर कहलाता है एक कंडेसन पॉलीमर यानी कि एक तो योगज बहुलक और एक संगणन बहुलक यदि यूनिट आपस में लगातार जुड़ती चली जाए कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकले तो योगज बहुलक कहलाता है और कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें छोटा अणु बाहर निकल जाए हमने यह भी देखा कि सम बहुलक क्या होते हैं और सह बहुलक क्या होते हैं जिसमें एक ही प्रकार की इकाइयाँ जुड़ें वे सम बहुलक जिसमें एक से अधिक प्रकार की इकाइयाँ आपस में मिलकर बहुलक बनाएं वो सह बहुलक कहलाती हैं तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में क्लासिफिकेशन देखा हमने कि पदस्य वृद्धि के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है या श्रृंखला वृद्धि के आधार पर किस प्रकार से किया गया है पूरे वर्गीकरण को हमने गहराई से जाना है अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे हम सीखेंगे कि ये जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया होती है एक अलग से बहुलक बनते हैं वो कौन कौन सी क्रियाविधि के आधार पर बनते हैं वो मुक्तमूलक क्रियाविधि के आधार पर बन सकते हैं वो आयनिक क्रियाविधि के आधार पर बन सकते हैं उस आयनिक में धनैनिक क्रियाविधि हो सकती है या ऋणायनिक क्रियाविधि भी हो सकती है क्रियाविधियों के द्वारा एक अलग से बहुलक का निर्माण होता है वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे इसके अलावा हम ये सीखेंगे कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल पॉलीमर्स हैं या वाणिज्यिक उपयोग वाले बहुलक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं नमस्कार